नए आयुक्त गौरव गोयल ने पदभार संभाल लिया है। ज्वाइनिंग के साथ ही जेडीसी गौरव गोयल ने शहर के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। जनटीवी संवाददाता योगेंद्र पंचोली ने जेडीसी गौरव गोयल से खास बातचीत की। जयपुर विकास प्राधिकरण के नव नियुक्त कमिश्नर गौरव गोयल हमारे साथ हैं। किस तरह से जेडीए, जिस तरह से नाम है विकास प्राधिकरण, किस तरह से अब विकास की ओर अग्रसर होगा? सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, और उसके साथ ही अब जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं, किस तरह से लेते हैं? जैसे जेडीए कहते हैं, जेडीए जयपुर शहर और जयपुर अर्बन एरिया के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। यहाँ मुख्य रूप से दो तरह के कार्य होते हैं, जहाँ इंडिविजुअल वर्क्स हैं, आमजन के खुद के भूमि से जुड़े हुए, पट्टे से जुड़े हुए, प्लॉट से जुड़े हुए इंडिविजुअल वर्क्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के डेवलपमेंट न्यू वर्क्स। तो आमजन के काम हैसल फ्री मैनर में पूरे हों, उसके लिए जो एक सिद्धांत है कि मिनिमम कॉन्टैक्ट, कि व्यक्ति को ऑफिस नहीं आना पड़े और ऑनलाइन वो अप्लाई करे और ऑनलाइन ही उसको डिस्पोजल प्राप्त हो जाए, टाइम बाउंड मैनर में हो, हैसल फ्री मैनर में हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, इसके लिए जहाँ एक तरफ सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, प्रोसेसेस में रिफॉर्म्स किए जाएंगे, वहीं आईटी का यूज करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। सर, एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो राजधानी में चेहरा होता है, और आपने भी देखा है कि विकास प्राधिकरण जेडी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, मुख्य रूप से कोरोना काल चला और कोरोना काल के बीच में किस तरह से जो अवरोध सामने आए, सरकार के सामने भी चुनौतियां रही, उनसे किस तरह से पार पाया जा सके? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि एक जो आर्थिक स्थिति है जेडी की, उसको किस तरह से पटरी पर लाया जाएगा? देखिए, हम सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड का जो इनिशियल फेज था, कोविड-19 में जो इनिशियल लॉकडाउन का पीरियड था, उसका बहुत अच्छा प्रबंधन पूरे प्रदेश में किया गया और राजधानी में भी, और उसे जगह जगह आज एक जयपुर मॉडल के नाम से कहते हैं। किस तरह से जयपुर में एकदम से कोरोना केसेस बढ़े थे और किस तरह जयपुर में सरकार ने और आमजन ने, एनजीओज ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक इनिशियल स्टेज को जो थ्रेट क्रिएट हो गया था, उसे अब एक तरह से साइडलाइन कर दिया है। और अनलॉकडाउन की प्रक्रिया में अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम होने लगी है, तो जेडीए में जेडीए की इंटरनल ऑफिस प्रोसीजर्स और जेडीए से कनेक्टेड जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और दूसरे बिल्डर्स हैं, वहाँ सभी जगह कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनकी पालना की जा रही है, उसे और इंश्योर किया जाएगा कि हर जगह कोविड-19 कॉम्बेटिंग मेजर्स की पालना की जाए। और कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अब जो चरणों में अनलॉकडाउन प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे आर्थिक गतियां रिज्यूम होने लगी है, तो ये प्रयास किया जाएगा कि लॉकडाउन के पीरियड में जो भी इकोनॉमिक लॉस जेडीए को और उसके स्टेक होल्डर्स को हुआ है, उसको क्विकली हम रिज्यूम करें और जेडीए को अगली नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो वाकई जिस तरह से युवा, किस तरह से सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं और खासकर जनता की जो समस्याएं हैं, उनका त्वरित रूप से निदान हो और जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो, इसके लिए भी जेडीए तत्पर रहेगा। सहयोगी सुशील यादव के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।